नमस्कार, मैं सचिन राठौर, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। हरदोई के बिलग्राम नगर में मां ज्वाला देवी ज्योति का जोरदार स्वागत किया गया। हर साल की तरह इस साल भी नगर भक्तिमय हो गया। ये आयोजन मोहल्ला दुर्गा सेवा समिति द्वारा किया गया। भक्तों ने श्रद्धा और भक्ति के साथ मां ज्वाला देवी की आराधना की। ललितपुर जिले में लगभग 2000 LUG एजेंटों ने जिलाधिकारी कार्य के बाहर प्रदर्शन किया। एजेंटों का आरोप है कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों का पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन अब वो उनसे पैसा वापस मांग रहे हैं। उन्होंने जिलाधिकारी के मुख्य आरोपों की संपत्ति को सीज करने और गरीबों के निवेशकों का पैसा लौटाने की मांग की। महोबा पुलिस लाइंस में पुलिस अधीक्षक पलाश बंशल ने साप्ताहिक परेड का निरीक्षण किया। परेड के बाद जवानों को दौड़ लगवाकर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर जोर दिया गया। वहीं इसी दौरान आगामी त्योहारों की तैयारी को लेकर पुलिसकर्मियों को वेपन हैंडलिंग और ड्रिल का भी अभ्यास कराया गया। हरदोई के 52 कस्बे में NCC अधिकारियों ने जर्जर विद्युत तार और पोल से संबंध सर्वे किया। भाजपा नेता धर्मेंद्र मिश्रा की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि जल्द ही जर्जर पोल और तार बदल जाएंगे। प्रयागराज के गंगानगर क्षेत्र में गुरुवार की शाम को लापता 8 साल के बच्ची का मर्डर के मामला सामने आया। इसका शव एक खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और रेप की आशंका भी जताई जा रही है। देवरिया के थाना क्षेत्र में एक बाइक पर चार युवक दिन दहाड़े स्कूल से लौटी छात्रों को छेड़छाड़ी करने लगे। इससे इतना ही नहीं, छात्र को गन्ने के खेत में खींच कर ले जाने की कोशिश की गई। इससे पूछे घटनाक्रम में स्कूल में प्रबंधक ने अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराया। कुछ बाइक सवारों द्वारा परेशान करने, उनका पीछा करने का यह मामला आया है। जो भी तहरीर हम लोगों को मिली है उसके आधार पर स्वयं उद्योग पंजीकृत कर लिया गया है और पुलिस की 5 टीमें इस मामले में बनाई गई है। CCTV फुटेज भी हम लोग देख रहे हैं और कुछ लीड्स हम लोग के पास में, जल्दी ही जो अपराधी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फरुखाबाद में राम बारात से रूट पर लगी हरी ट्यूबलाइटों का हिंदू महासभा ने विरोध किया। युवा प्रदेश अध्यक्ष विमलेश मिश्रा ने नेतृत्व में संगठन में रामलीला कमेटी से इसकी शिकायत की। कहा कि ये व्यवस्था ऐसा अभ्यास देती है कि जैसे कि 12 वफात का जुलूस निकल रहा हो। और राम बारात शोभा यात्रा में आज लाइटों को लेकर कुछ विवाद बढ़ता जा रहा है। हरे रंग की लाइटों का उपयोग किया गया है, क्या है पूरा मामला और क्या विवाद है? देखिए, कोई विवाद नहीं है। लाइट लगी है रामलीला तो हर वर्ष लगती है, वो इस बार नहीं, विशेष कलर लगाया गया है। इसका सभी लोग सोशल मीडिया पर विरोध कर रहे हैं, कई फोन आ रहे हैं सुबह से। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए रामलीला कमेटी से बात की गई है। तो कुछ बाहर के लोग लाइट लगाने वाले आए थे, उन्होंने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया है, वो लाइटें लगा दी। अब कमेटी के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि दूसरी और लाइटें लगा के उस कलर को थोड़ा चेंज किया जाएगा, क्योंकि वो एक विशेष कलर है, वो नहीं महसूस होगा। पूरे आश्वासन के साथ यहाँ लोगों ने कहा है कि किसी राम जी की शोभा यात्रा है तो उसमें हम सब लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होना चाहिए जिससे कि लोगों के बीच में कोई गलत संदेश। कलर को लेके क्या विरोध है? कलर एक ही खाली हरे। ललितपुर में एक ब्लड बैंक के शिविर के दौरान PV इंडिया कंपनी के संचालक पंकज यादव से लेकर नोकझोंक हुई, जो चिटफंड फ्रॉड के आरोपी हैं। नागरिक मोर्चा मंच के आज जिलाधिकारी को शिकायत पत्र सौंपा गया। इसमें कहा गया कि पंकज यादव गरीब निवेशकों से लाखों रुपए ठग कर फरार हो गया है। फरुखाबाद में एक नया आदेश आया, जिसके तहत मुख्य सचिव मनोज कुमार ने यह आदेश दिया कि बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के कार्यालय पहुंचने वाले अधिकारियों को गैर हाजिर माना जाएगा। हालांकि जिला के कई अधिकारी जैसे CMO और DSO बिना सुरक्षा उपकरणों की गाड़ी चला रहे थे। ये स्थिति सरकार के आदेशों की अवहेलना को दर्शाता है, जिससे आम जनता पर गलत असर पड़ता है। निर्देश दिए गए हैं कि कार्यालय परिसर में जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी आते हैं उनके द्वारा हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग किया जाए। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए ग्राम रोजगार सेवकों ने शहर मुख्यालय की नहर कॉलोनी में राज्य कर्मचारी का दर्जा देने के साथ अपनी 10 मांगे भी बताई। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।